bursting out of that. Good afternoon, everyone. So today, in the last lecture, I have given you a hint that there are three basic processes of fabric formation, jo hai weaving, non-woven, and knitting. So today, I would be focusing on more about how weaving goes in the industry. Okay. So weaving एक process है. मैंने आपको बताया था in the last lecture कि weaving और knitting के लिए हमें fiber को पहले yarn में convert करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको fabric में convert करते हैं. I think everybody remembers. अब voice आ रही है मेरी? Sir, my voice is clear, ma'am. Okay. तो मैंने आपको बताया था वीविंग और निटिंग के लिए वी कांट मेक डायरेक्टली फैब्रिक फ्रॉम दी फाइबर, बट नॉन वोवेंस में हमारा ये है कि हम फाइबर से ही फैब्रिक बना सकते हैं. सो टुडे आई वुड बी डिस्कसिंग दी मोस्टली दी वीविंग पार्ट. व्हाट इज वीविंग? सो स्टार्टिंग विद दैट, वीविंग के लिए पहले हम एक प्रोसेस होता है, दैट इज फाइबर को हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं. स्पिनिंग में पहले जैसे कॉटन को पहले फील्ड से लाया जाता है, फिर उनकी बेल्स बनाई जाती हैं, दैट प्रोसेस इज जीनिंग. उसके बाद उसको स्पिनिंग रूम में ब्लूम बार्डी ड्राफ्टिंग डिफरेंट मशीन्स होती हैं, वो उसको ड्राफ्ट करके एक यार्न का शेप फॉर्मेशन दे रही है. फाइबर का बल्क है वो हमारा यार्न में कन्वर्ट हो जाता है. लार्ज नंबर ऑफ मशीन आर देयर विच आर, जो बहुत सारी मशीन है वो उसको प्रोसेस आउट करती है और उस फाइबर के बंडल को उस यार्न में कन्वर्ट कर देती है. ठीक है, आफ्टर दैट जो यार्न है, फाइनल जो स्पिनिंग का प्रोसेस है वो हमारा रिंग स्पिनिंग पे होता है, तो हमें यार्न मिल जाता है रिंग स्पन यार्न. तो जिस पे वो रिंग स्पन यार्न वाउंड होता है वो बहुत छोटा होता है, उसको हम वॉपिंग वीविंग मशीन पे नहीं लगा सकते और उसमें कई फॉल्ट्स भी होते हैं, जैसे थिक एंड थिन प्लेसेस. आई हैव मेंशन मेनी टाइम्स कि यार्न में डिफरेंट फॉल्ट्स आ जाते हैं, थिक थिन प्लेसेस आ जाते हैं, स्लब्स आ जाते हैं, तो उन फॉल्ट्स को रिमूव करना भी जरूरी है. आपने देखिए, क्वालिटी इज नेसेसरी एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दी प्रोडक्शन. चाहे मैं गारमेंट की बात करूँ, चाहे मैं फाइबर की बात करूँ, क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एवरी प्रोसेस. सो वाइंडिंग, सबसे पहले जो हमारा यार्न स्पिनिंग होके आया वो वाइंडिंग पे जाता है, वाइंडिंग पे उसके फॉल्ट्स क्लियर होते हैं और चीज फॉर्मेशन होती है. उसके बाद वार्पिंग करते हैं हम, वार्पिंग में उसका बीम फॉर्मेशन किया जाता है. वार्प बीम, अब जो चीज है वो भी छोटे छोटे होते हैं, तो उसको एक बड़े पैलर यार्न की शीट में बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम वार्पिंग बोलते हैं. देन हमने फिनिशिंग में पढ़ा है डी साइजिंग. आई होप एवरीबडी रिमेम्बर्स डी साइजिंग क्या है. डी साइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम साइज को रिमूव करते हैं, पर मैंने आपको बताया था वीविंग करते टाइम जो वाप यान है उस पर साइज लगा दी जाती है, तो वो प्रोसेस यहाँ पे आता है. वापिंग के बाद आपके वाप यान पे एक साइज की कोटिंग कर दी जाती है, क्योंकि जो आपका वाप यान है वो मैक्सिमम अब्रेशन फेस करता है. उसके बाद उसके ड्रॉइंग इन करी जाती है, क्योंकि लूम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हील, रीड, तो इन सब के थ्रू अब एक लूम पे थाउजेंड ऑफ वाप यान होते हैं, वाप एंड्स होते हैं, तो उनको कैसे एक लूम पे लेके जाना है, तो उस प्रोसेस को ड्रॉइंग इन बोलते हैं. आफ्टर दैट इंटरलेसमेंट और वाप एंड वेफ्ट होती है, दैट इज वीविंग. Okay, so I would be discussing all in detail, starting with the winding process. What is winding? Winding wo process hai produce a good package that contains long length of yarn and unwound well during warping. Theek hai, humne us package ko ek acha sa banana hai jisme zyada matra mein, large quantity mein aapka yarn aa jaye, theek hai, aur wo warping ke liye use kiya ja sake and to remove the objectionable faults. तो जो यार्न में फॉल्ट्स रह जाते हैं, कि थिक एंड थिन प्लेसेस रह जाते हैं, नैप्स रह जाते हैं, उनको रिमूव करना भी जरूरी है, तभी अगर आपके यार्न के फॉल्ट होंगे तो आपकी फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी होगी. सो ये देखिए, ये रिंग फ्रेम के पैकेजेस हैं, ये देखिए ये कितने छोटे होते हैं, इनको यहाँ पे वाइंडिंग मशीन में चीज बोलते हैं. ठीक है,
इस पैकेज जो पैकेज फॉर्मेशन हो रही है वाइंडिंग मशीन पे, इसको चीज बोलते हैं. तो चीज बनाया जाता है वाइंडिंग पे. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड नाउ. वाइंडिंग है, एक स्मॉलर पैकेज से हम बिगर पैकेज बना रहे हैं और यार्न बॉल्स को रिमूव कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम वाइंडिंग बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ गया वार्पिंग. अब हमने यार्न बॉल्स रिमूव कर लिए, चीज बना लिए. अब ये चीज भी इतने बड़े नहीं है कि इनको डायरेक्ट लूम पे लगा दिया जाए, तो हमें और हमें फैब्रिक के लिए हमें पैरेलल वार्प लाइंस चाहिए, थाउजेंड मतलब एक पैरेलल फॉर्म में चाहिए, सिंगल वार्प यार्न नहीं चाहिए. तो उस पैरेलल शीट बनाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं वार्पिंग. To arrange a convenient number of warp yarns so that they can be collected on a single warper's beam. इस प्रोसेस को बोलते हैं द ऑपरेशन वेयर यार्न इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिंगल पैकेज टू एन इवन शीट ऑफ यार्न प्रेजेंट हंड्रेड्स ऑफ एंड्स दैट वाउंड ऑन द वार्प बीम, उसको हम वार्पिंग बोलेंगे. तो ये देखिए, अब वार्पिंग दो तरह की होती है, डायरेक्ट एक होती है सेक्शन वार्पिंग. तो मोस्टली जब हमने कोई प्लेन फैब्रिक बनाना होता है, मोस्टली वी गो फॉर डायरेक्ट वार्पिंग. ये देखिए कितने सारे चीज लगे हैं और एक बड़ी सी बीम बनाई जा रही है, तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ वार्प्स आगे मौजूद होते हैं जिसको लूम पे लगाया जा सकता है. ठीक है, ये देखिए, दिस इज द फोटोग्राफ इन व्हिच डायरेक्ट वार्पिंग इज बीइंग डन एंड आवर स्टूडेंट्स विजिटेड ओवर देयर. ये देखिए चीज लगे हुए हैं एंड वार्पिंग इज बीइंग डन. ये देखिए डायरेक्ट एक बड़ी सी बीम फॉर्म हो रही है जिसके आपके वार्प यार्न्स हैं वो पैरेलल लाइक करेंगे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट वार्पिंग जब हमने कोई प्लेन फैब्रिक बनाना हो. पर जब हमने कोई शर्टिंग के लिए फैब्रिक बनाना है, जैसे मैन शर्ट जिसमें चेक्स हैं, जिसमें स्ट्राइप्स हैं, उसके लिए हम वार्पिंग जो फॉलो करते हैं उस वार्पिंग को बोलते हैं सेक्शन वार्पिंग. दिस इज द सेक्शन वार्पिंग मशीन. ओके, सो इसमें क्या होता है, जैसे आपके अगर स्ट्राइप्स की मैं बात करूं, तो स्ट्राइप्स अगर करो वन स्ट्राइप इज ऑफ ब्लू कलर, ऑफ व्हाइट कलर, इज ऑफ रेड कलर, तो उस टाइम उस वार्प यार्न्स को वाइंड करने के लिए लूम पे कैसे लेके जाना है, तो वो सेक्शन वार्पिंग के थ्रू होता है. तो उसमें सेक्शंस में आपका वार्प यार्न इस ड्रम पे वाउंड हो जाता है और उसको फिर वीवर्स बीम में कन्वर्ट करके लूम पे लगाया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज योर साइजिंग. अब मैंने आपको बताया कि वार्प यार्न जो है वो बार बार उसमें हील्स टकरा रही है, रीड उससे टकरा रही है, लूम के डिफरेंट पार्ट्स उसके साथ रगड़ रहे हैं, एब्रेशन हो रहा है, तो क्या होता है, ब्रेकेज हो जाएगी. जितनी ब्रेकेज होगी उतनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए साइजिंग फॉलो करी जाती है. साइजिंग वो प्रोसेस है जिससे आप वार्प यार्न की एब्रेशन रेजिस्टेंस और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देते हो. वो स्ट्रेंथन कर देता है आपके यार्न को. क्यों? आपके यार्न पे एक आउटर कोटिंग वैक्स की लग जाती है, तो वो यार्न को स्मूदर भी बना देता है और लुब्रिकेट भी कर देता है. इट कॉजेज फाइबर मैनुअली टू अडियर इन सच अ वे सो दैट इट मेक्स वार्प यार्न स्ट्रॉन्गर, स्मूदर एंड बेटर लुब्रिकेटेड. आप इसका एग्जाम्पल अपने हेयर से ले सकते हैं. वेन यू डोंट ऑयल, ऑयलिंग नहीं की अगर आपने अपने बालों में, तो दे रन हेयर एंड देयर. बट अगर आपने ऑयलिंग करी हो और उसको एक ट्विस्टेड गुद बनाई हो, तो दैट इज हैविंग मोर स्ट्रेंथ. तो साइजिंग करने के लिए एडहेसिव यूज किए जाते हैं, दैट इज स्टार्च एंड गम, और लुब्रिकेंट्स में फैटी ऑयल सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं. मोस्टली कई बार साइजिंग करने के लिए पीवीए, पॉलीएसिटेट, इन सब के केमिकल्स का भी यूज किया जाता है. साइजिंग जिसमें एक पहले साइज बनाया जाता है और आपके वार्प यार्न्स को, जैसे हम फिनिशिंग में पढ़ते थे कि डिप किया जाता है साइज बॉक्स में, उसी तरह साइजिंग भी उसी तरह अप्लाई करी जाती है. नेक्स्ट इज drawing. This is the process of drawing every warp end through its drop wire, healed eye and reed ends. अब यहाँ पे end बताया है, पर there are hundreds of ends, पर एक single end को कैसे drawing करनी है, ये drop wire है, loom के parts हैं, drop wire, heels, reed, फिर उसको loom पे लगा दिया जाता है. इस process को बोलते हैं drawing in. ये देखिए, दिस इज ड्रॉइंग इन ऑटोमेटिक. आजकल ऑटोमेटिक ड्रॉइंग इन आ गई है. स्ट्राइप फैब्रिक है, अगर
तो उसकी ड्रॉइंग आती है, उसको लूम पे लगाया जा रहा है, और दिस इज मैनुअल ड्रॉइंग इन मशीन, देखिए इतने सारे पार्ट्स हैं और उनको ड्रॉइंग इन करा हुआ है लूम करने के लिए. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर. ओह, दिस इज द साइजिंग प्रोसेस. इसमें साइजिंग द आई हैव डिस्कस रिसेंटली, इसमें क्या है, जो क्रील है वो साइज बॉक्स में पास होती है, उसके बाद ड्रॉइंग यूनिट आते हैं, वो आपको सेपरेट आउट कर दिया जाता है और उससे वीवर्स बीम बना दी जाती है. ये देखिए सेक्शन बीम्स है, साइज बॉक्स के थ्रू उस वाप एंड्स को निकाला जाता है, देन ड्रॉइंग सिलेंडर्स के थ्रू पास किया जाता है, उसके बाद वीवर्स बीम बना दी जाती है. ये देखिए साइजिंग होने से पहले आपका यान ऐसे दिखता है, इसमें हेयरीनेस होती है, एंड आफ्टर साइजिंग हेयरीनेस रिमूव हो जाती है, क्योंकि यान आपके सरफेस के साथ वैक्स जो आपने अप्लाई किया या लुब्रिकेंट आपने अप्लाई किया वो जो हेयरीनेस को है वो यान सरफेस से ही अडहियर कर देगी और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देती है. नाउ कमिंग टू वीविंग. अब वीविंग बेसिकली टू थ्री टाइप ऑफ मोशंस है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ऑक्सिलरी. And I think primary and secondary are most important at this time, so I am discussing that. Primary में आपका आ जाता है shedding, picking and beating. Shedding and secondary motion take and let off. So we would be discussing this. ये देखिए shedding. अब shedding क्या है? अब आपने warp beam लगा दी loom पे. अब जो warp beam को तो दो parts में separate करने के process को हम बोलते हैं shedding. ताकि आपका weft insert हो सके. उसको सेपरेट आउट कैसे किया जाएगा? हील्स की हेल्प से. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग नाउ? तो शेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वार्प इन टू और मोर लेयर्स अकॉर्डिंग टू योर वीव डिजाइन. जैसा आपका वीव डिजाइन है मोस्टली टू लेयर्स, और ये काम करता है हील्स करती है, हील के मूवमेंट से आपके जो वार्प यान है वो लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज योर पिकिंग. पिकिंग क्या है? आपने अब वाप को सेपरेट आउट तो कर लिया, बट अब आपने वेफ्ट को इंसर्ट करना है. यू एवरीबडी नोज वीविंग इज द इंटरलेसमेंट ऑफ वाप एंड वेफ्ट. अब इंटरलेसमेंट के लिए वेफ्ट चाहिए, तो वेफ्ट कैसे इंसर्ट होगा? वेफ्ट इंसर्शन डिवाइस है, वो कोई भी हो सकती है, आपकी शटल हो सकती है. अगर मैं शटल लूम्स की बात करूं और शटललेस की बात करूं तो प्रोजेक्ट प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ वेफ्ट थ्रू द शेड इज कॉल्ड पिकिंग. नाउ नेक्स्ट इज बीट अप. अब आपने वेफ्ट को इंसर्ट कर दिया, अब रीड क्या करती है? उस लास्ट इंसर्टेड वेफ्ट को क्लोथ फेल की तरह बीट कर देती है. सो दिस इज द मिनिएचर लूम मैंने आपको शो करने के लिए लगाया है, सो दैट यू पीपल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज बीटिंग. तो सो ये क्या करती है, लास्ट इंसर्ट है उसको क्लोथ फेल की तरह बीट कर देती है और आपका क्लोथ रेडी होता है. और वाप बीम यहाँ से निकलता जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं लेट ऑफ, जो वाप यान्स को लेट ऑफ कर रहा है. और यहाँ पे क्लोथ बन के आपके एक रोलर पे वाउंड होता जा रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेक अप. दिस इज द वीविंग प्रोसेस. देखिए वाप यान यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे शेडिंग हो रही है. हील के मूवमेंट से आपके जो वाप यान्स हैं वो टू लेयर्स से सेपरेट होते हैं. अब दिस इज द पिकिंग. पिकिंग इंसर्शन, वेफ्ट की इंसर्शन को हम पिकिंग बोलते हैं. तो यहाँ पे आपका वेफ्ट यान इंसर्ट हो रहा है, जैसे ही आपका वेफ्ट यान इंसर्ट होता है दिस इज द रीड. ये क्या कर रही है, क्लोथ फेल की तरफ इसको बीट अप कर रही है. यान इज बीटन अप टू द फेल ऑफ क्लोथ. दिस इज फेल ऑफ द क्लोथ. फेल ऑफ द क्लोथ बोलते हैं. दिस इज टेक अप रोलर एंड दिस इज लेट ऑफ.
अब मैंने बीच में आपसे ऑक्सिलरी इमोशंस की भी बात करी थी। ऑक्सिलरी इमोशंस ये होती हैं कि जब आपका कई बार वाप ब्रेक हो जाए या वेफ्ट ब्रेकेज हो जाए या वेफ्ट अच्छे से इंसर्ट ना हो तो उस क्या होगा, क्वालिटी पे इफेक्ट करेगा। उस चीज को रोकने के लिए ये ऑक्सिलरी इमोशंस लगाई गई है लूम पे। अगर का ब्रेक हो जाए या वेब ब्रेकेज हो जाए वो मोशंस उस टाइम एक्टिव होके आपको इंडिकेट कर देती हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम। द ऑपरेटर हु इज हैंडलिंग दी लूम उसको पता चल जाता है, एक लाइट ब्लिंक हो जाती है, फटाफट वहां पे जाके उस चीज को रेक्टिफाई करता है और लूम दोबारा से शुरू हो जाती है। अब क्लासिफिकेशन, अब वीविंग जो मशीन्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेफ्ट इंसर्शन। मैंने आपको बताया वेफ्ट इंसर्शन के बहुत सारे मीन्स हैं। कन्वेंशनल लूम में आपकी जो शटल लूम आ गई, शटल को हम यूज करते हैं, शटल की हेल्प से अगर वेफ्ट इंसर्ट करते हैं तो दैट इज द वन वे। एंड अदर आर नॉन अनकन्वेंशनल लूम जिसमें शटललेस लूम्स आ जाती हैं, शटल का यूज ना किया गया हो, प्रोजेक्टाइल, रेपियर, एयरजेट एंड वाटर जेट। अब क्यों इन लूम्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि शटल जो है उसका वेट वुडन मटीरियल की बनी होती थी, उसका वेट बहुत होता था और उसमें जो वेफ्ट यान है वो पर्न के फॉर्म में बहुत थोड़ा थोड़ा आता था, तो पर्न चेन मैकेनिज्म हमें लगाना पड़ता था। वो पर्न को बार बार जैसे ही पर्न एग्जॉस्ट हो जाए उसको चेंज करना पड़ता था, तो टाइम कंज्यूमिंग था। हेंस द टेक्नोलॉजी हैज बीन शिफ्टेड टू यूजिंग दीज टाइप ऑफ शटललेस लूम्स। सो यू कैन सी द वीडियो ओवर हियर। This is the actual processing of the loom being done. So there are different waft insertion devices. As I have told, this shuttle होती है और ये जो अंदर है इसमें वेफ्ट यान होता है और इसको पर्न बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पे शटल है एंड देखिए इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड यू कैन इवन आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा और शटल वेफ्ट इंसर्ट कर जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज सो फास्ट। अब शटल लूम में ये ऐसा है तो शटललेस लूम में इससे भी फास्ट होता है। नाउ दीज आर अनकन्वेंशनल लूम्स जिसमें रेपियर, दिस इज रेपियर जो वेफ्ट इंसर्ट करने के काम आता है। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वेफ्ट इंसर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रेपियर। अब रेपियर चार टाइप के होते हैं, सिंगल रिजिड। ये देखिए रेपियर वेफ्ट ऐसे सिंगल रेपियर। जो आपकी बेसिक फीचर्स है वो सेम रहेंगी, शेडिंग, पिचिंग एंड पीकिंग दे आर सेम, चाहे वो कन्वेंशनल लूम हो चाहे नॉन कन्वेंशनल लूम हो। अब ये डबल रेपियर है, ये क्या कर रहा है, हाफ द वे जा रहा है। एक रेपियर आधे रास्ते तक लेके गया वेफ्ट को, दूसरा रेपियर from that middle to other end. This still takes up the same amount of floor space as a single rigid rapier because each rapier is stored on either side of the loom. However, the speed can be increased because it's less to insert the deep rapiers of the So, technology hai, to time jo hai weft insertion ke liye, wo kam ho gaya. Double flexible rapier is a flexible tape or high-tech plastic material. This is flexible rapier. अब ये टेप है, वाउंड अप हो जाएगी, रेपियर वो अनवाउंड हो जाएगी एंड वेफ्ट वुड बी इंसर्टेड। बीट अप यहाँ हो रही है, यू कैन सी बीट अप। Double telescoping rapiers. And this is double telescopic rapier. To insert the filling yarn. They're similar to double rigid rapiers, but since they telescope, much of their length is stored inside the rapiers themselves. As the rapier collapses, they're reducing the width of the loom. Can I next time give you a
तो ये डिफरेंट वेब इंसर्शन डिवाइसेस हैं जिनको यूज किया जा रहा है आजकल के टाइम में टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टाइम. ये भी आपका वेब इंसर्ट करने के काम आती है. Projectile must be presented with the yarn which it grips just before it is propelled across the web. And fired across the loom through 19th to where it is caught in breaking device. It is then returned to the station by way of the conveyor chain. Obviously, the components will remain the same. Primary and auxiliary functions will remain the same. Now this is earjet. Earjet may we use the relay nozzles to insert the web. Air tag ki help se, air pressure ki help se we are inserting the web. Aur ye dekhiye iski speed kitni zyada hai, 1200 pics per minute. Aur iske liye jo read hai wo profile read hum use karte hain. That accumulates the exact amount of yarn needed to travel across the ship. An initial burst of air starts the yarn on its way. ये देखिए, तो वो यान की डिफ्लेक्शन होने लगे एंड यान ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द फैब्रिक टू अदर एंड. ये ऑक्सिलरी नोज. Now, last one is the water jet. Concept of filling insertion is water is used instead of air to project. Water का भी use किया जाता है vacuum insertion के लिए. The water jet, as compared to the air jet, booster nozzles and profiled reeds are not needed. Speeds of water jet insertion while those air jet we make. So these are the various web insertion devices. I hope everybody has understood now. Multi-phase. Now coming to, अब हमने weaving समझ लिया. Weaving करने के बाद हमें क्या मिलता है? The fabric which we obtain from weaving is called woven fabric. So weaving is the most common method of fabric construction. आपने देखा two sets of yarn हमें चाहिए रहते हैं. That is warp and one is web. और यान की इंटरलेसमेंट कहाँ होती है? एट दी राइट एंगल टू ईच अदर एट दी प्रोसेस ऑफ वीविंग. ठीक है, नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोवन फैब्रिक. वोवन में आपके करेक्टरिस्टिक्स किस के ऊपर डिपेंड है? ऑब्वियसली आपका वाप यान कैसा है, आपका वेब है, उस पर आपके फैब्रिक की करेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करेंगी. अब सेल्वेज इज ऑलवेज पैरेलल टू लेंथ वाइज डायरेक्शन. जो आपके फैब्रिक में एक सेल्वेज होता है, ये देखिए ये फैब्रिक के साइड पे सेल्वेज है, ये हमेशा लेंथ वाइज डायरेक्शन के पैरेलल है. मोस्ट फैब्रिक हैव लोअर एलोंगेशन इन दी वार्प डायरेक्शन. अब मैंने आपको बताया था कि जो वेब डायरेक्शन है उसमें क्रिंप ज्यादा होती है. क्रिंप इज वेवीनेस स्ट्रक्चर. तो वेवीनेस के कारण यू कैन एलोंगेट, पर वार्प जो है वो स्ट्रेट लाया करते हैं, इसलिए आपकी डायरेक्शन में होती है. And more parallel to fabric in the loom. Fancy and special function yarns are used in filling direction. अगर आपने कोई fancy effect देना है तो या different dyed yarn देना है तो वो आप filling direction में ही mostly उसको insert करते हैं. अब fabric characteristics may differentiate between warp and filling direction. Example, poplin has filling ribs, satin has warp floats. तो उसके basis पे आपके fabric की जो characteristics हैं वो differ कर जाती हैं. Warp yarn tend to be have higher twist and are similar and more uniform in structure and appearance. जो warp yarn है उसमें twist की जो quantity है या मात्रा है वो ज्यादा होती है as compared to the weft yarn. Fabric crimp, अब मैंने crimp की पहले ही बात करी. Weaviness जो होगी वो आपके feeling या फिर weft direction में ज्यादा होगी. ठीक है, क्योंकि उनको वाप के कभी ऊपर कभी नीचे, ओवर एंड अंडर दे हैव टू गो ड्यूरिंग द इंटरलेसमेंट प्रोसेस. वाप यान काउंट इट टू बी हायर देन फिलिंग यान काउंट. जो वाप यान का काउंट है टेंड्स टू बी हायर. जो वाप यान का काउंट है वो जनरली हायर होता है एज कम्पेयर टू दी वेफ्ट यान काउंट. एंड इफ यान राइट स्ट्रिप्स आर इन वन डायरेक्शन ओनली दे टेंड टू वाप डायरेक्शन.
अब नेक्स्ट इज ग्रेन. ग्रेन क्या है? ज्योमेट्री और पोजीशन ऑफ व्यापयन. जब आपसे पूछते हैं तो आप यही बोलते हो ना कि आपका फैब्रिक ऑन ग्रेन है, ऑफ ग्रेन है. बट ग्रेन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? आपके व्यापयन्स की ज्योमेट्री टू योर फिलिंग यंस. अब ग्रेन मोस्टली हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं ऑन ग्रेन और ऑफ ग्रेन. ऑन ग्रेन कब होता है? जब आपका फैब्रिक लेंथ वाइज लाया करता है पैरेलल टू योर वापियन, ठीक है. और ऑफ ग्रेन है फैब्रिक, फैब्रिक अलोंग दी वेब डायरेक्शन. अब पर यूजुअल हम अगर फैब्रिक स्टिचिंग के लिए फैब्रिक फॉर स्टिचिंग, वी ऑलवेज गो फॉर ऑन ग्रेन फैब्रिक. हम बोलते हैं हमेशा कपड़ा देखना चाहिए कि ऑन ग्रेन हो. क्यों? अगर ऑफ ग्रेन रहेगा तो उसमें यू विल फेस दी प्रॉब्लम. क्या होगा? उसकी ड्रेपेबिलिटी अच्छी नहीं आएगी एंड इट विल नॉट हैंग इजीली. ओके, वो स्ट्रेट लुक नहीं देगा. और प्रिंटेड होगा तो उसकी लुक्स जो है वो अजीब हो जाएंगी. नाउ फैब्रिक काउंट की मैं बात करूँ, व्हाट इज फैब्रिक काउंट, वो कैसे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ वाप एंड फीलिंग यार्न पर स्क्वायर इंच डिफाइन करता है आपका फैब्रिक काउंट है. अगर इंडिकेशन ऑफ हायर क्वालिटी इज, इफ हायर इज द काउंट बेटर इज क्वालिटी. जितना ज्यादा वाप या वेफ्ट फिलिंग यार्न्स पर इंच होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. नाउ बैलेंस, व्हेन द वाप यार्न एंड फिलिंग यार्न आर इन रेशियो दैट इज 1:1, देन द फैब्रिक इज कॉल्ड बैलेंस. अब सेल्वेज क्या है? लेंथ वाइज सेल्फ एज ऑफ द फैब्रिक जो बनाई जाती है सो दैट जो यार्न्स है वो फ्रे आउट ना हो जाए, निकल ना जाए. इसलिए हर एक फैब्रिक में आप देखेगा, कभी भी आप मार्केट में परचेज करने जाते हैं, एवरी फैब्रिक हैज दी सेल्वेज. ओके, एंड इट इज फॉर्म डिफरेंटली ऑन डिफरेंट लूम. उसको डिफरेंट वे से फॉर्म किया जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू द फैब्रिक विड्थ. व्हाट इज फैब्रिक विड्थ? लूम के ऊपर आपकी फैब्रिक की विड्थ डिटरमाइन होती है. हैंड वोवन जो होते हैं उनकी विड्थ होती है नैरो 27 to 36 inches. कमर्शियल फैब्रिक की मैं बात करूं तो वो 60 इंचेस से भी ज्यादा हो जाती है. बट जो हमें जो कंज्यूमर फैब्रिक अवेलेबल होते हैं दैट इज 45 inches और 4 to 60 inches. अब फैब्रिक वेट डिस्क्राइब्स हाउ मच गिवन ऑफ फैब्रिक वेट. अब इसको वे करने के लिए एक GSM कटर होता है, उसका हम यूज करते हैं और इसको ग्राम पर स्क्वायर मीटर में हम उसको डिफाइन करते हैं. अब लाइट वेट अगर मैं फैब्रिक की बात, उसका वेट लेस देन 4 oz पर स्क्वायर यार्ड होता है, बिटवीन 4 to 6, एंड हैवी इज मोर देन 6 oz पर स्क्वायर यार्ड. नाउ कमिंग टू दिस इज द वोवन स्ट्रक्चर व्हेन सीन अंडर माइक्रोस्कोप. जब वोवन स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, दिस इज द प्लेन वीव स्ट्रक्चर. इसमें आप देखिएगा, दिस इज वाप यार्न, दिस इज वेफ्ट यार्न. वेफ्ट यार्न कभी वाप यार्न के ऊपर है, इट इज गोइंग डाउन. सो यू दिस टाइप ऑफ व्यू इज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप. नाउ कमिंग टू द यार्न दैट रन्स हॉरिजॉन्टली और फ्रॉम साइड टू साइड. ये देखिए, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, इसको हम यार्न जो एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं उसको हम वेफ्ट बोलते हैं. एंड यार्न विच रन परपेंडिकुलर फ्रॉम टॉप टू बॉटम दे आर कॉल्ड वाप. और जो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंटरलेसमेंट पॉइंट. ओके, नाउ सेल्वेज. दिस इज अ सेल्वेज. मैंने आपको बताया था फैब्रिक के एंड में सेल्वेज होता है. कई बार दिस टाइप ऑफ सेल्वेज इज ऑल्सो सीन एट द एज ऑफ वोवन फैब्रिक. द वेफ्ट यार्न रैप्स अराउंड द वाप यार्न टू मेक अ नीट एज एंड दिस इज कॉल्ड द सेल्वेज. नाउ कमिंग टू द फैब्रिक टर्मिनोलॉजीज. जब हम फैब्रिक कटिंग के लिए रखते हैं और हमने ऑन फोल्ड रखा है, हमने उसका सेल्वेज नहीं काटा, सो दिस ब्लैकर पोर्शन, डार्क ब्लैक पोर्शन, थिकर पोर्शन इज कॉल्ड सेल्वेज. अब ये क्या है? हम माप कर रहे हैं, ये इसकी लेंथ वाइज ग्रेन है, ये इसकी क्रॉस वाइज ग्रेन है. अगर हमें बायस में, जहां जैसे हमने पाइपिंग के लिए पट्टी काटनी है, तो दिस इज द बायस ग्रेन एंड दिस इंडिकेट्स आवर फैब्रिक इज ऑन फोल्ड. अब कैसे हम याद रखेंगे? देर आर फ्यू ट्रिक्स सो दैट यू कैन रिमेम्बर. बायस मीन्स BIAS, इट इज रिलेटेड टू डायगनल. हमेशा आपके डायगनल पे कोई भी कपड़ा आप काटेंगे 45 डिग्री के एंगल, जिसपे वाप और वेफ 45 डिग्री के एंगल पे हो,
उसको हम बायस बोलेंगे. सेल्वेज ऑब्वियसली यू कैन सी द लास्ट टर्म, इट इज ऑलवेज एट द एज, रिमेंबर सेल्वेज इज ऑलवेज द एज. वेफ्ट रन्स राइट टू लेफ्ट, वा रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक. आई होप नाउ यू पीपल विल रिमेंबर. नाउ अब जो है वीविंग से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीव बना सकते हैं. That is plain, twill, sateen, sateen, diamond, honeycomb, and many others. So today I would be discussing the main three weaves, basic weaves, that is plain, twill, and satin. Coming to the plain weave, this is the strong and smooth, and it is ideal for printing. हमने बात करी जब printing की. प्रिंटिंग के लिए जब हम स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हैं, स्टेंसिल प्रिंटिंग कर रहे हैं, दिस इज द आइडियल वीव वी कैन यूज फॉर दैट. प्लेन वीव होल्ड्स देयर शेप वेल एंड दीज फैब्रिक ड्रेप वेल. प्लेन वीव में जो फैब्रिक सेल होते हैं या वो उनका जो कमर्शियल नेम है, दैट इज कैलिको, कैलिको टाफ्टा मसलिन शर्टिंग. अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन वीव, इट इज बेसिक वीव्स formed by yarn at right angle, passing alternate over and under each other. Least expensive weave to produce, no technical face or iska face or backside, unless wo printed na ho, aapko face or backside ki pehchan nahi hoti. Theek hai? Other characteristics is tend to wrinkle easily, isme bal asani se pad jate hain, less absorbent hoti hai, reveling less of a problem, isme reveling ki koi problem nahi hoti. यार्न टाइप ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस दिस करैक्टरिस्टिक्स. कैसा यार्न आप यूज कर रहे हैं वो उसकी करैक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करता है. अब बैलेंस्ड प्लेन वीव में की मैं बात करूं, जिसमें वार्प और फिलिंग यार्न्स आर ऑफ सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस अपार्ट, उसको हम बोलते हैं बैलेंस वीव. बैलेंस वीव डिफरेंट टाइप्स आती है, लाइट वेट शेयर, लाइट वेट, मीडियम वेट एंड हैवी वेट. अनबैलेंस्ड प्लेन वीव बात करूं, it has more yarns in one direction than other. isme ridges ki formation ho jata hai, to iski classification hai lightweight ribbed fabric, medium weight ribbed fabric, heavy weight ribbed fabric. this is the basket weave made with two or more adjacent warp yarns and two or more filling yarns. ye dekhiyega yahan pe do warp yarns hai aur do weft yarns hai, jo one up one down, jo मोस्ट कॉमन इसमें टू बाय टू, टू अप टू डाउन कर रहे हैं. ठीक है, तो फैब्रिक्स दैट हैव बास्केट वीव किस किस में होती है, ऑक्सफर्ड, सील्स क्लॉथ, डक्स कैनवस, मॉन्क्स क्लॉथ. यू कैन सी हियर दिस इज प्लेन वन अप वन अंडर. ये देखिए यहाँ पे जो वेफ्ट है वो पहले वाप के ऊपर है, देन वाप के नीचे, एंड सिमिलर वे में प्लेन वीव की फॉर्मेशन करी जाती है. And this is the microscopic view of the fabric having the plain weave. This is basket weave. You can see how it looks under microscope. Now, plain weave ke jo fabrics hain, they are, it's low cost fabric which comes in different weights. We use it to make our toils or sample products banane ke liye isko use kiya jata hai. Yes, I will share the PPT. Then is gingham, two colors alternate in warp and weft, and gingham has no right or wrong side. Then is taffeta, it is a crisp, smooth, plain weave fabric made up of silk or synthetic fiber. The warp and weft yarn are tightly set. It makes a distinctive rusting sound as one moves. जब इसको पहन के कोई move करता है तो इससे sound produce होती है. Next is your twill weave. This is a strong, firm, stable and hard wearing. Mostly इसको जहाँ पे heavy operations होते हैं वहाँ पे इसका use किया जाता है, या heavy वो लोग इसको wear करते हैं. But nowadays it is in fashion. People are making one pieces gown using also. The typical fabrics from the twill weave are denim, tartan and tweed. This is the twill weave. You can see. और इसमें एक खासियत ये होती है, इसमें डायगोनल लाइंस देखने को मिलती है. ईच वार्प और फिलिंग यार्न फ्लोट अक्रॉस टू और मोर फिलिंग यार्न. इसकी डिफरेंट जो है वीव्स हैं, टू अप वाउंड, थ्री अप वन डाउन, डिफरेंट ट्विल्स होती है.
और इसमें डिस्टिंक्टिव डायगोनल लाइन फॉर्म होती है, सिंपल लुकिंग को बनाया जा सकता है और इसका टेक्निकल फेस और बैक में डिफरेंसेस दिखते हैं। प्योर इंटरलेसिंग के कारण यार्न इजीली मूव कर सकता है और ये सॉफ्टर, मोल प्रायबल एंड रिकवर बेटर फ्रॉम रिंकल्स, स्पर्ल्स लेस ऑन अनइवन सरफेस। दिस इज द ट्विल वीव, यू सी एट हियर दे आर मोस्टली इन ट्विल वीव्स। इसमें जो फैब्रिक्स होते हैं दे आर चीनो, डेनिम, ट्वीड एंड टार्टन। चीनो, ट्वीट एंड हाउंडस्टूथ चेक, ये मोस्टली जैकेट्स बनाने के काम आते हैं। हेरिंग बोन ट्वीट एंड देन दी हैरिस ट्वीट। टार्टन, नाउडेज वी आर यूजिंग टार्टन फॉर मेकिंग दी सिंगल पीस गाउन्स। नाउ कमिंग टू दी साटन, दीज फैब्रिक्स हैव ए गुड लस्टर, द सरफेस इज स्मूथ, साटन वीव ड्रेप्स वेल, इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू एब्रेशन, क्योंकि इसमें फ्लोर लेंथ। एक बात है इंटरलेसमेंट, अगर वाप एंड वेफ यान आपका पीरियोडिकली इंटरलेस होता है तो उसमें क्या है, फ्लोट लेंथ कम होती है। तो जितना, दिस इज वन इंटरलेसमेंट, दिस इज इफ दिस इज आई गो दिस वे, दिस इज सेकेंड इंटरलेसमेंट। ये देखिए यहाँ पे जो फ्लोट लेंथ है, द यान इज लाइंग मोर ऑन द सरफेस, ठीक है, तो दिस इज फ्लोट लेंथ, इसको हम फ्लोट बोलेंगे, ठीक है। और टिपिकल जो सिंगल लूम लस्टरस बिकॉज ऑफ लॉन्ग फ्लोट सरफेस, यान कैन बी पैक्ड वेरी क्लोजली, फेस एंड लुक बैक लुक सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जो साटिन है वो वार्प फेस्ड होते हैं, इसमें वार्प साइड में आपको फ्लोट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इसका बैक साइड है वो सर्टीन की रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम वेफ साइड वेफ फेस्ड बोलते हैं। यू कैन सी दिस इज सर्टीन इज कमिंग फ्रॉम दी फिलिंग यान, दिस इज सर्टीन, ये देखिए दिस इज सर्टीन। नाउ साटिन वीव के फैब्रिक्स जो हैं, दे यूज ऑन द गाउन्स, नाइट वियर, दिस इज डचेस सेटिन, इट इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल साटिन विद एलिगेंट लस्टर, इट कैन बी मेड फ्रॉम सिल्क, पॉलिस्टर और ब्लेंड ऑफ फाइबर्स, एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव इफ इट इज मेड फ्रॉम सिल्क। नाउ डिफरेंट फैब्रिक्स जो हमारे वीविंग के अंदर आए, जिनको हम यूज करते हैं इन द फैशन डिजाइनिंग, फर्स्ट इज द वॉयल, द सॉफ्ट येट फॉर्म शियर फैब्रिक ऑफ दॉर्म हार्ड ट्विस्टेड सिंगल यान्स, ऑल्दो प्लाईर आल्सो यूज्ड, को इकट्ठे ट्विस्ट कर दें उनको हम प्लाई यान बोलते हैं, हैज अ स्किन इफेक्ट, मतलब आपकी स्किन के साथ ये चिपकता है। It is generally 100% cotton or blends include polyester or linen and can be solid dyed or printed. Properties iski hain, it is sheer and lightweight fabric. It has a soft feel. It drapes and gathers well. To isko dekho, agar drape ki jahan pe baat aa gayi to obviously ladies ki dresses banayi jayengi. Ladies dresses, skirts and dress linings mein use kiya jata hai. Accessory fabric in apparels usko use kiya jata hai. Next is the poplin. It is the strong fabric in the plain weave. Can be made up of any fiber or the blend. ठीक है? It traditionally consisted of silk warp with the weft of worsted yarn, and now it is made in wool, cotton, silk, rayon or any mixture of these. Okay? So properties poplin की क्या है? It is soft and medium weight. थोड़ा सा weight इसका ज्यादा है. It is durable and good wear resistant. ज्यादा देर तक चलता है, एवरेज ड्रेपेबिलिटी, बट इट हैज पुअर क्रीज रेजिस्टेंट, एक बार क्रीजेस उसमें पड़ जाए तो उसको प्रेसिंग की जरूरत होती है। मोस्टली इसके यूजेस होते हैं मेन शर्ट, ब्लाउजेस, पायजामास, चिल्ड्रन क्लोथ्स एंड ड्रेसेस, और इसको इसका यूज बैनर्स बनाने के लिए एंड टेबल के ऊपर टेबल टॉप्स के लिए भी यूज किया जाता है। And nowadays it is widely used in sportswear, shirts, boys suits, uniforms, blouses and other dresses.
मसलिन वी ऑल आर ड्रेपिंग के फैब्रिक यूज करते हैं अबाउट द मसलिन Yes, it is a coarse type of plain weave fabric made from a carded cotton or polyester cotton yarns, और जिसमें different type के thread counts हम use करते हैं, and mostly ये unbleached होती है, ठीक है? आपने देखा होगा, थोड़ा सा yellowish color में ये दिखता है, जब हम draping के लिए इसको use करते हैं, तो उसका whitish color नहीं होता, unbleached मतलब grey fabric, jerked fabric इसको बोलते हैं. Properties, unbleached, jerked cloth with low moisture, इसमें moisture action कम होती है. It is smooth and delicate, good drapability, that's why इसको draping के लिए use किया जाता है. It is light to medium weight, different weights में आती है आपकी muslin and has low crease resistance. अब इसको uses कहाँ किए जाते हैं? Up hostlers put muslin in primary fabric for chair and sofa. जो chair and sofa के नीचे जो ऊपर टॉप फैब्रिक के नीचे वाला फैब्रिक जो होता है वो मसलिन होता है लाइट वेट सो इट इज यूज्ड एज स्लीप कवर्स बेड स्प्रेड्स बेड स्कर्ट्स थ्रो पिलोज टेबल स्कर्ट्स एक्सेट्रा और मसलिन कर्टेन एंड विंडो शेड्स आर सूट्स द कंट्री हाउस और वी एज अ फैशन डिजाइनर दीज आर यूज्ड फॉर ड्रेपिंग देन जॉर्ज लाइट वेट डल फिनिश्ड क्रेप फैब्रिक can be solid dyed or printed or is to appearance hoti hai wo crinkly hoti hai properties uneven texture and has a crispy feel it is a sheer fabric lightweight elegant look hoti hai but dull in appearance it is snagging snagging isme zyada hoti hai matlab ye ikattha bahut zyada hota hai to isliye isko silne mein thodi si problem hoti hai It is used in interlining or linings. Sarees में use किया जाता है, scarves, dresses और garment accessories में इसका use किया जाता है. Then is gauze. Gauze may be cotton, wool, silk, rayon और other man-made fibers के use से इसको बनाया जाता है. Usually plain weave और lino weave का use किया जाता है. Occasionally knitted और mostly gauze fabric का use book binding के लिए किया जाता है. Properties lightweight होता है, thin होता है. इसकी प्रॉपर्टीज हैं इसको फिनिश किया जाता है टू प्रोवाइड द लस्टर सॉफ्ट एंड गुड ड्रेपेबिलिटी फ्लैट एंड लस्टरस होता है फ्लैट आपको बताया ही है कोई भी जो है सरफेस आपको स्मूथ क्यों देखता है कि जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इफ इट एब्जॉर्ब्स लाइट तो वो डल दिखता है इफ इट रिफ्लेक्ट बैक द लाइट इट अपीयर्स शाइनी इसका यूजेस है वुमेन लिंगरीज नाइट गाउन्स ब्लाउजेस इवनिंग गाउन्स उसमें यूज किया जाता है देन इंटीरियर फर्निशिंग फैब्रिक्स और बेडशीट्स में भी इसका यूज किया जाता है देन इज योर वेलवेट इट इज अ टाइप ऑफ वोवन टफ्टेड फैब्रिक जिसके ऊपर एक पाइल्स होते हैं तो वो इसको एक शाइनी पाइल्स विद अ डिस्टिंक्टिव फील वेलवेट पाइल इज क्रिएटेड बाय वार्प और वर्टिकल यार्न्स और जैसे ही आपका साटिन और सटीन होता है वैसे ही वेलवेट और वेलवेटीन होता है वेलवेट वार्प अगर वाफ फेस में अगर आप पाइल्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड वेलवेट अगर वेफ्ट फेस में पाइल्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड वेलवेटीन इसकी प्रॉपर्टीज हैं स्मूथ एंड सॉफ्टर एवरीबॉडी नोस थिक और बल्की गुड वार्म्थ रिटेंशन ड्रेप और फॉल इसका अच्छा होता है गुड क्रीज रेजिस्टेंस इसका भी यूज इवनिंग गाउन्स के लिए किया जाता है देन कर्टेन्स एंड कुशन कवर्स के लिए इसका यूज किया जाता है नेक्स्ट इज योर फ्लैनल अ फुल It woven fabric generally of wool yarn woven with a twill weave. Twill weave से इसको weave किया जाता है. It may be brushed to give the extra roughness or remain unbrushed. और ये double sided और single sided भी हो सकता है. इसकी properties often stretchability होती है, thick and warm होता है. अब warm है तो obviously men's के shirt बनाने के लिए winter wear shirts इसका use होता है. Very durable, drapes well. Uses as bathrobes, skirts, men suits, trousers, blazers, jackets, ठीक है, many more. Next is your drill.
It is a durable fabric of medium weight, usually three harness warp face, left hand twill होती है ये, made up of carded yarn, generally on coarser counts. इसकी property है, it is medium to heavy weight, strong and durable, breathable होता है, good drapability होती है, that's why इसको use किया जाता है pants में. Uses है, it is used to make trousers, dresses, jackets and household items. Work clothes में भी इसका use किया जाता है. Then it is used for pocketing, shoe lining, book binding. Then khaki drill is used for uniforms. Okay? Then is your denim. Everybody is familiar with this. इसमें जो warp yarn होते हैं वो indigo dyed, indigo color के dyed होते हैं. ठीक है? Uses coarse yarn for weaving. Slub yarn भी आप use कर सकते हैं. They are strong and durable for long wearing, resist snags and tears. तो कैजुअल वेयर क्लोथिंग लाइक जीन्स एंड स्कर्ट्स में इसको यूज किया जाता है. शॉर्ट्स, चिल्ड्रन क्लोथ, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में भी इसका यूज किया जाता है. देन इज कॉर्डुरॉय. कॉर्डुरॉय एक पाइल फैब्रिक होता है जिसका हाई लस्टर फील होता है. इसको वीव करने के बाद इसके जो लूप्स हैं उनको कट कर दिया जाता है. इट इज वॉर्म. जितने भी पाइल फैब्रिक है वो क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं. मैंने आपको बताया जिस भी फैब्रिक में एयर ट्रैप होगी तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी की हीट को प्रिवेंट करेगा. तो ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी की बाहर नहीं जा पाएगी, इट विल प्रोवाइड यू कॉजिनेस. सो इट इज थिक एंड स्टेबल फैब्रिक. इट एब्जॉर्ब्स एंड रिलीजेस मॉइस्चर क्विकली. तो इट इज यूज फॉर मोस्टली पैंट्स, ट्राउजर्स, जैकेट्स एंड शर्ट्स. Then is chiffon. It is a fabric made up of soft and texture. High twist होता है. It is flimsy in nature, made from high twisted yarn and woven in gum condition. इसकी property होती है highly twisted yarn, extremely lightweight and flimsy. It is elegant in sheer fabric. It is resilient and drapes well. इसका use होता है evening wear, blouses, scarf and even for the linings for the gum special. यूज होते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन सेक्शन. आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा. आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि वीविंग क्या है, हाउ वीविंग इज डन, हमारा जो कपड़ा है वो हमारे पास क्या आता है, कितने प्रोसेसेस के थ्रू उसको निकलना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइबर टू द फैब्रिक. सो अगर आपको फाइबर्स की नॉलेज नहीं होगी, यू कांट अप्लाई वेल टू योर फैशन डिजाइनिंग इंटेलेक्ट. So this knowledge is must for everyone. So coming to the question section, please give me the answer in the chat box. What is done to impart strength and smoothness to the warp yarns? I repeat the question. What is done to impart the strength and smoothness to the warp yarns? Color wheel ki class I'll take. Okay, I would be taking first. Give me the answer of this. Warp yarn ko smoothness aur strength dene ke liye kya kiya jata hai? Sanding, what is, I don't understand. Yes, A is the correct answer, that is sizing. Please don't raise your hand. Just give me the answer through the chat box. Next question is, yes. साइजिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप एक कोटिंग कर देते हैं वैक्स की या लुब्रिकेंट ऑयल की, जो आपके वाप यान को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ वेफ्ट इंसर्शन इज कॉल्ड व्हाट? वापिंग, वाइंडिंग, बीटिंग और पिकिंग. यस शेखर, दैट इज द करेक्ट आंसर. Next, shuttle is a warp beam, weft insertion device, winding device, none of these. B, anybody else? Warping is wrong. B, shuttle is a weft insertion device. I told you that is made up of wooden box or jisme fern hota hai. I've shown you the video also. Remember that. Next, warping is done to make a warp beam, to make a bigger package, to make sheet of warp yarns, all of these.
D is the correct answer. It is used to make the वा beam. Obviously, आप चीज को weaving पे loom पे directly नहीं लगा सकते, तो आप एक parallel yarns की वाप yarns की beam बनाते हैं, तो उस process को warping बोला जाता है. Then section warping is done for plain fabric, shirt fabric, terry cloth. None of these. Yes, it D is the right answer for the last one. That is all of these. I'll go back to that. Warping is done for all of these. This is the answer. Then section warping is done for. No, Sanya, it is not the correct answer. It is not the correct answer. No, none of these also not the correct answer. मैंने आपको बताया था जब हमने शर्टिंग फैब्रिक किया. शेखर, इट इज द राइट वन. सेक्शन वापिंग जो है वो शर्टिंग फैब्रिक के लिए किया जाता है. यस शिवांगी, यस पूनम, इट्स द करेक्ट आंसर. देन डेनिम इज व्हाट टाइप ऑफ वीव. जो डेनिम है उनमें कौन सी वीव है. ट्विल, यस यस सानिया, इट्स द करेक्ट आंसर. यस रितु, सो ध्यान रखिएगा, डेनिम कोई भी हो आप देखिएगा, आप उसको ऑब्जर्व करिएगा. आफ्टर द लेक्चर आपको डायगोनल लाइंस दिखेंगी, तो ट्विल वीव की खासियत ये है आपको दूर से डायगोनल लाइंस दिखनी शुरू हो जाती है. व्हेनेवर यू सी अ वीव, अगर आपको डायगोनल लाइंस दिख रही है, दैट मीन्स दैट इज अ ट्विल वीव. माइंड में रखिएगा ये बात. नेक्स्ट इज Which weave is lustrous and is used for evening gowns? कौन सी weave lustrous होती है और evening gowns के लिए use की जाती है? Okay, satin is correct answer. Yes, Divya. Yes, Veerpal. Kiran. Yes. So thank you. Stay tuned with the latest knowledge. Stay safe at home. Bye for today. I hope you must have understood the lecture today. Okay, everyone. Okay, sir, I'm done with my lecture. Agar aapko koi queries hai, you can mail me out at agyapreet18@yahoo.com. Okay.